जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा ये ब्लॉग शाम का ब्लॉग है और एक दिन बाद आप सबको मिलने वाला है। तो दोपहर को मैं सो गई थी तो उठी तो यहाँ पे शाम को पिज़्ज़ा बनने की तैयारी हो रही है और पिज़्ज़ा बस मुझे खाना रहता है, बनाना नहीं रहता है। और ये सवरिया है, ये पिज़्ज़ा खाने के लिए रेडी हो रहा है। और ये है कांदा और शिमला मिर्च, इसको अलग कर रहा है। ये सब काम खाने वाला आइटम सवरिया बहुत फटाफास्ट फास्ट करता है। सर जरा दिखा दो इधर मुंह अपना वीडियो में आने के लिए। और ये आज हमारी मैडम हमको पिज्जा बना के खिलाएंगी, क्योंकि पिज्जा यही बनाती है, हम बस पिज्जा खाते हैं, कभी पिज्जा जल्दी बनाती नहीं है। पिज्जा का सास, सास बोलते हैं इसको, सास की जान। ये पिज्जा का सास है, यानी कि ये पिज्जा की सास है, उसका घर बसाती है। ऐसे पिज्जा की सास है, उसका घर बसाती है। तारा में जो घर पे खत्म हो गए थे चीजें, वो सब खरीद के आए हैं। ये सब निकल रहा है धीरे धीरे पिटारे में से। इसमें क्या है, एक सास होती है और ये क्या है, ससुर है क्या, ये क्या है, ये ननद है। सास ननद मिलके फिर तो जीने नहीं देंगे। फिर पिज्जा कौन खाएगा है? किचन की हालत एकदम बिखरी पड़ी हुई है। अच्छा, ये तीनों डाल के बनाएंगी मैडम जी, ये अपना अलग रेसिपी बनाती है। इसके लिए मैं पिज्जे को हाथ नहीं लगाती हूँ, ये अभी नया बन रहा है। अच्छा, क्योंकि पूरा तैयारी हो चुका है। और अभी जो सॉस को मिक्स करके रखी थी उसको बटर डाल के अच्छे से खौला दी, तो ये हो गया सॉस तैयार हो गया ये बेस पे लगाने के लिए पिज़्ज़ा के। और उसके बाद पनीर के टुकड़े में नमक और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के इसको मिक्स करके, कभी कभार इसको रोस्ट भी करती है, कभी कभार डायरेक्ट डाल देती है। तो ये इस तरह से तैयार करके रख ली है। अभी बेस पे ना चटनी को उसको लगा देगी सॉस को, फिर उसके बाद सब लगाएगी। तो चटनी लगाने वाला सीन थोड़ा सा कट गया है, वो नहीं है। उसके बाद कॉर्न को भी उबाल ली थी, जो कॉर्न आता है मकाई, उसको भी उबाल के और सब कुछ ऐसे इस तरह से लगा के ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। ये समझ लीजिए डोमिनोज से भी अच्छा ये पिज़्ज़ा बनता है। तो यहाँ पे इसको डाल दिए भी तैयार होने के लिए। सब बना रहे हैं और मेरा तो ये काम है नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे बस बना हुआ मिलता है, मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा। तो मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल को रबड़ी का भोग लगाने के लिए शाम के टाइम। उसके बाद मैं आरती करूँगी, इनको दो तीन चम्मच खिला के मैं रख दी 10 मिनट इनके पास। उसके बाद मैं वापस आरती करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर आरती कर रही हूँ मैं, अभी आरती मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अपना माला कर लूँगी, क्योंकि मुझे तो उधर कुछ बनाना है नहीं। और ये बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती है, इसके लिए मैं कभी बनाने का ट्राई भी नहीं करती हूँ। तो अभी मैं माला करने बैठ गई हूँ यहाँ पर। और मेरा जो माला झूली है ना, वो गांव छूट गया कि क्या मालूम कहाँ मिल नहीं रहा, तो कपड़े से ही मैंने ढक के मैंने माला कर ली, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम। वैसे भी मैं शाम को ही माला कर पाती हूँ, सुबह मेरा माला नहीं होता है। और अभी भी उसके बाद मैं भी लड्डू गोपाल को रबड़ी देने के बाद, इधर बन रहा है पिज़्ज़ा, मैं भी खा रही हूँ रबड़ी। तो रबड़ी खाने के बाद अभी पिज़्ज़ा तैयार होएगा, तो जिसका नंबर आएगा वो खाएगा, एक एक करके सब लोग खाएंगे। तो यहाँ पर खाने वाले चालू हो गए खाने के लिए। मेरा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है कि नहीं जी, दिखाइए पिज़्ज़ा को मेरे, इसके अंदर तो अच्छा लगा। जला 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 हुआ दिख गया, तो तेरा बेस भी पूरा जला हुआ दिख गया, अगर मंजूर है। ये पिज्जा इधर बन रहा है, पूरे किचन पे पिज्जा का तैयारी हुआ है, पिज्जा पिज्जा ही। बगू बगू चांगला दिसतो, मला येते ना बनवायला मग। ये तू खाने वाली है? आधा दे दो, आधा उधर रख रही हूँ, जाके देख लेती हूँ। यहाँ पे मेरा इंतजार खत्म हो गया और मेरी बारी आ गई। तो आप सब भी आ जाइए पिज़्ज़ा खाने के लिए। मेरे बच्चे लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा नहीं मम्मी पिज़्ज़ा, तो मैं जानबूझ के ऐसी बोलती हूँ। तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, आप एक बार ट्राई इसको ज़रूर करें। और उसके बाद मैं खा के चली जाऊँगी ऊपर के कमरे में, क्योंकि मेरा ऊपर काम बहुत है, आज के दिन मैं उसको सब निपटा लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सोची चलो यहीं सूट कर लेती हूँ। तो ये साड़ी मैंने गाँव से लेके आई थी, सब ऐसे ही सूटकेस में ही पड़ा था, तो इसको मैंने सब जमा दी इधर। और उसके बाजू वाला मेरा ड्रेस का खाना है, तो उधर मैंने ड्रेस रख दी और ये पूरा साड़ी का ही लाइन है। और ब्लाउज वगैरह मैंने थैली में डाल दी, अभी थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट करके उसी में लगा दे रही हूँ, बाद में और अच्छे से करना रहेगा। तो फिर से मैं कपाट के खोल के पूरा अच्छे से कर दूंगी, फिर भी अभी थोड़ा सा लगा हुआ ही है। और ये सब करने के बाद अभी मेरे को ऊपर काफ़ी काम है करना, इसके लिए मैं ऊपर आ गई थी। तो ये सूटकेस को मैं सोच रही हूँ अंदर डाल देती हूँ, तो इसके अंदर बेड के अंदर उठा के मैं जगह बनाई है और फिर इसके अंदर इसको डाल दी। और बाजू में मैंने कपड़ा सब जमा करके रखती हूँ, इसमें कपड़ा धुलने वाला जमा करने का ड्रावर में बना के रखी हूँ। इसके पापा का कपड़ा
मैं जमा करके ही धुलती हूँ, और इसमें वाइट वाला सब हाथ से धुलती हूँ, बाकी मैं मशीन में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छटाई करके उनका वाइट वाला निकाल ली हूँ और बाकी मशीन में डाल देती हूँ उसको धुलने के लिए। और काफ़ी दिनों से मैंने इसको जमा के रखी थी, मतलब धुलना नहीं हुआ, बारिश था इसकी वजह से। और ये ढोल है ना, नवरात्रि का ही नीचे पड़ा था, इसको भी मैं सोची चलो आज ऊपर ही डाल देती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी आज डालूँगी कल डालूँगी, तो ये सब करते करते मैं एकदम थक के जूर हो गई हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। और इस टाइम बज रहा है 8:30, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना बनाना होगा, तो मैं जाऊँगी नीचे। इसी पे वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब।